हेलो स्टूडेंट्स, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, मैं सोरा सिंह, और टॉपिक है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मोमेंट 1942। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को हम जो है कई नाम से जानते हैं। इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, अगस्त आंदोलन से के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी 1942, ये कहाँ से तैयार, जो बर्मा में भारतों पर अत्याचार हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जो बर्मा थे वहाँ पर जो भारतीय थे उन पर अत्याचार हो रहा था, तो लोगों को जो है ना विरोध उत्पन्न हुआ लोगों में, और जो है ना ये पृष्ठभूमि तैयार हुई कि भाई एक अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाए। फिर जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध ने क्या था कि जो जापान था वो अंग्रेजों पर हमला कर रहा था, और अंग्रेज कहाँ पर थे, इंग्लैंड, वो थे भारत में। तो ये भय था भारतीयों को कि भाई अंग्रेजों के कारण जो है हमारे देश पर जापान हमला कर रहा, तो इसलिए अंग्रेजों को भारत से चला जाना चाहिए। तो ये भय के कारण जो है भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की, और इसके जो नेता चुने थे वो थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था इस आंदोलन में। फिर क्रिप्स मिशन की विफलता। जब ये आंदोलन हो रहे थे तो इस पर जो है दबाव बनाने के लिए जापान ने, चीन ने और अमेरिका ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया कि भाई जो है अपना राजनीतिक कैरियर ठीक करिए, वहाँ पर भारत में राजनीतिक स्थिरता लाइए। तो इंग्लैंड ने यहाँ पर एक क्रिप्स मिशन बनाकर भेजा, जो कि हमारे नेताओं ने उसको विफल कर दिया और सिरे से ही नकार दिया। तो उसकी जो है क्रिप्स मिशन की विफलता इसका कारण रही। फिर नेताओं के साथ पूर्व परामर्श के बिना जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, हमारे जो नेता थे या हमारे जो लोग थे उनका कोई भी परामर्श नहीं लिया, कोई भी उनकी जो है ना परमिशन नहीं ली, और बिना परमिशन के हमारे देश को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। तो इसका भी कारण रहा कि हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। फिर कई छोटे आंदोलन का केंद्रीकरण, कई जो छोटे आंदोलन का केंद्रीकरण था ये कौन, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आर्थिक दुर्दशा, फाइनेंशियल जो है स्टेट, जो आर्थिक दुर्दशा अंग्रेजों ने हमारे देश की की हुई थी, पूरा धन लूटकर विदेशों को ले जा रहे थे, इससे भी व्यथित होकर जो है लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। और पूर्व बंगाल में आतंक का राज्य, जो स्टेट ऑफ टेररिज्म स्टेट ईस्ट बंगाल, जो पूर्व बंगाल में आतंक का राज्य पैदा हो गया था, इससे भी जो है ना व्यथित कुपित होकर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, नंबर एक है आंदोलन की योजना एवं संगठन। जो भारत छोड़ो आंदोलन असफल था रहा, उसका पहला कारण था रॉन्ग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट। जो आंदोलन की योजना थी और संगठन था वो असफल हो गया था, वो योजना कारगर सिद्ध नहीं हुई, इसलिए ये भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया। आंदोलन की हिंसात्मक, देखिए आंदोलन जो था वो हिंसा का रूप धारण कर गया था, चोरी चोरा कांड इसी दौरान हो गया था, जिसे गांधी जी ने इसे भारत छोड़ो आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था और ये हिंसात्मक रूप धारण कर चुका था, तो इसलिए इसको जो है असफल होना पड़ा और इसको वापस लेना पड़ा। फिर उच्च वर्गों एवं सरकारी कर्मचारियों की सरकार के प्रति वफादारी, जितने भी उच्च वर्ग थे या सरकारी कर्मचारी थे वो सरकार के प्रति वफादारी दिखा रहे थे, वो भारतीयों के प्रति या भारत के प्रति वफादारी नहीं दिखा रहे थे, वो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन सी थी, वो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर, है ना, हमारे देश में, तो उसके प्रति वफादारी दिखा रहे थे जो सरकारी कर्मचारी थे, और इस आंदोलन को विफल होने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्हें फिर है अनेक वर्गों का आंदोलन विरोधी व्यवहार,
जो अनेक एंटी मोमेंट बिहेवियर ऑफ मैनी सेक्शन, अनेक वर्ग जो थे वो आंदोलन विरोधी व्यवहार कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। हमारे देश के लोग, हमारे वर्गों के लोग हमारे ही विरोध कर रहे थे, यानी के इस जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, इस कारण भी ये असफल हुआ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।